दोस्तों, अगर आपको जो है कि पूरी जानकारी चाहिए इस प्रोडक्ट के बारे में, इस प्रोजेक्टर के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ठीक है? क्योंकि मैंने एक एक चीज़ यानी छोटी छोटी चीज़ों को जो है कि प्रैक्टिकली करके देखा है और ये कोशिश की कि आपको 100% की रियलिटी पता चले। तो फिर वीडियो को देखना शुरू कीजिए, मिलते हैं वीडियो के बाद। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से कंट्री ब्लॉग चैनल पे, और आज हम आपके लिए जो है कि एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके आए हैं। दोस्तों, अगर आपको अपना एंटरटेनमेंट करना है और वो भी बड़ी स्क्रीन पे, यानी अपनी एंटरटेनमेंट को अगर दुगना करना है और एक बहुत ही अच्छा, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि सिनेमा हॉल टाइप, अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए अपने घर में, तो उसी के लिए आज हम आपको एक प्रोडक्ट दिखाने जा रहे हैं और उसका रिव्यू करेंगे, उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए, प्रोडक्ट जो है कि हमारे पास है, जिसको मैंने वी प्लेक से मंगाया था, ठीक है? और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो मैंने जितनी भी इसकी ब्रांडिंग के बारे में डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे, वो देख सकते हो। तो ये ईगेट का K9 वर्जन है, ठीक है? और ये प्रोजेक्टर है, LED प्रोजेक्टर है। तो दोस्तों, अब जो है कि हमने अनबॉक्सिंग कर ली है और हमारे पास जो जो एसेसरीज हमें मिली है यहाँ पे, उसको देख लेते हैं एक बार। ये तो एक यूज़र मैनुअल है, ठीक है, जो सबके सारे प्रोडक्ट के साथ आता है। और ये हमारे पास AV केबल है, ठीक है, TV से कनेक्ट करने के लिए। और इसके बाद HDMI केबल, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लग रही है मुझे। देखते हैं इसको ज़रा यहाँ से ओपन करके। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। तो HDMI केबल जो है काफ़ी बढ़िया दे रखी है इन्होंने। ये HDMI केबल यूज होती है इंटरनेट, डायरेक्ट इंटरनेट से आप कनेक्ट कर सकते हो अगर आपके प्रोजेक्टर में वो फैसिलिटी है तो, और लैपटॉप से हमेशा चले, कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए HDMI केबल यूज होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इसी का यूज करें, आप VGA केबल भी यूज कर सकते हैं। और ये है पावर केबल दे रखी है, पावर को देखते हैं। लेकिन मुझे थोड़ी सी हल्की लग रही है, थोड़ी सी लोकल टाइप की लग रही है, जेन्युइन नहीं लग रही है, ठीक है। लेकिन ये जो है प्रीमियम प्रोडक्ट लग रहा है। और उसके बाद अगर हम रिमोट की बात करें तो रिमोट भी काफ़ी जो है प्रीमियम टाइप का है, क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लग रही है मुझे। क्योंकि जो लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्टर देखा था उसका रिमोट कुछ लोकल सा दिखता था, लेकिन ये देखिए इसमें प्रीमियम लुक है। तो ओवरऑल आपने एसेसरीज देख ली, चलिए अब जो है कि प्रोजेक्टर की बात करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, देखिए लुक आप देख चुके हैं, और ऊपर से देखिए, ऊपर से आपको ऐसा दिखता है। और इसमें अगर मैं आपको लैंप दिखाऊं, ठीक है, तो लैंप भी बहुत ही अट्रैक्टिव, डिज़ाइन आगे से बहुत बढ़िया है। लेकिन इसमें एक कमी लगी मुझे, और वो कमी ये है कि लैंप का जो है कवर देना चाहिए था जैसा कि ईगेट i9 में दिया हुआ था, और ये K9 मॉडल है लेकिन इसमें लैंप कवर नहीं दिया हुआ, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। बाकी डिज़ाइनिंग बहुत बढ़िया है, लुक भी इसका बहुत अच्छा आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप, सारे पोर्ट्स दे रखे हैं। तो USB 2 पोर्ट दिए हुए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक जो है कि AV कनेक्टर है, और एक, ठीक है, एक AV कनेक्टर, एक हेडफोन के लिए है। और उसके बाद यहाँ पे 2 HDMI पोर्ट भी आपके पास, ओके। उसके बाद आप देख लो यहाँ पे जो है कि VGA कनेक्शन के लिए दिया हुआ है पोर्ट। तो ओवरऑल जो है कि सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन एक चीज़ जो कम लग रही है मुझे वो है क्या, देखिए पावर कनेक्टर है, वो है ये कि इसमें डायरेक्ट एंड्रॉयड से आप कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। बस यही एक कमी है इसमें, क्योंकि बजट इसका जो है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको एंड्रॉयड कनेक्टर इसमें नहीं होगा, नहीं कनेक्ट होगा, क्योंकि इसका जो बजट है बहुत कम है, ठीक है, 8000 है। और अगर आपको एंड्रॉयड भी चाहिए इसमें, एंड्रॉयड डायरेक्ट कनेक्ट करना है आपको एंड्रॉयड मोबाइल, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बजट बढ़ाना पड़ेगा, इसमें आपको देने पड़ेंगे 11000 के आसपास। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। तो दोस्तों, हमने जो है सेटअप कर लिया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये हमने लगा दिया प्रोजेक्टर, ये उसके बॉक्स पे हमने ये सब हमने अपने सेट किया है। सिंपल सी बात है, प्रोजेक्टर है और ये मेरा लैपटॉप है। तो देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया VGA केबल से, ठीक है, और आप देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी है, ठीक है, बहुत उम्दा है। अब आप जहाँ स्क्रीन देख रहे हैं वो मेरा वाइट बोर्ड है, जहाँ पे आप स्क्रीन देख रहे हैं वो मेरा वाइट बोर्ड है, और उस वाइट बोर्ड पे आप देख सकते हैं कितनी क्लियरिटी है। बीच में एक धब्बा आ रहा होगा तो वो इसकी लैंप का धब्बा है, जो लाइट है, क्योंकि वाइट बोर्ड है तो रिफ्लेक्शन दे रहा है। अगर इसी को हम ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं छत पर, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट, इसको अगर मैं ऊपर की तरफ देखूँ स्क्रीन को, देखिए अगर मैं इस पर देखूँ तो और क्लियर दिखाई देगा, और क्योंकि हम फोकस को एडजस्ट भी कर सकते हैं तो क्लियरिटी और हो जाएगी। अब आई थिंक 100% अब है, देखिए ये थोड़ा धुंधला हो गया, अब शार्प कर देता हूँ, ये शार्प है। तो
तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी है और जो टेक्स्ट है वो भी हम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, सारे जितने स्मॉल टेक्स्ट है वो भी हम पढ़ सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब देखिए इस पर मैं वीडियो चलाता हूँ, वीडियो क्वालिटी आप देखिएगा कि कैसी है, आप खुद जो है कि देख के एक बार पता लगाएं। तो चलिए इसे मैं अपनी वीडियो चलाता हूँ ताकि कॉपीराइट इशू ना हो, चलाता हूँ। देखिए ये एक वीडियो थी कनाडा पे, ये मैंने बनाई थी। अब देखिए कि अभी मोबाइल का फ्लैश ऑन है, मैं आपको बता दूँ अभी मोबाइल का फ्लैश ऑन है तब भी इतनी अच्छी क्वालिटी दिखाई दे रही है। अगर मैं फ्लैश ऑफ कर दूँ तो अब देखिए और अच्छी क्वालिटी दिखाई देगी। ये देखिए बिल्कुल 100% जैसे सिनेमा हॉल में मूवी चलती है वैसा इसका जो है कि इफ़ेक्ट दिख रहा है हमें। और अभी ये वाइट बोर्ड पे है, लाइट थोड़ी रिफ्लेक्ट हो रही है, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, इसलिए ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को शो करूँगा वहाँ पे वॉल पे या फिर स्क्रीन पे तो ये और बेहतर हो जाएगी। और फिर भी आप देख रहे हैं क्वालिटी कैसी, बहुत बढ़िया। चलिए अब ज़रा देखते हैं ऊपर की तरफ, कैमरा मैन से गुजारिश करूँगा थोड़ा ऊपर ऊपर भी यहाँ पर। देखिए ये वॉल है, वाइट वॉल है और इस पे आप देख सकते हो कितना क्लियर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्वालिटी जो है कि काफ़ी अच्छी है। ये मैं थोड़ा सा भगा के दिखा रहा हूँ ताकि जो है अलग अलग कलर वेरिएशन हो जाए। और ये अब शार्प हुआ है, अभी क्लियर है। तो देखा दोस्तों आपने जो है कि इसकी क्वालिटी वाकई बहुत अच्छी है और सच बताऊं तो ये मुझे लास्ट वाले प्रोडक्ट से बेहतर लगा। और मैं ये कहूँगा कि मतलब उससे वो 19 था ये 20 है, ऐसा है। तो दोस्तों अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते तो दोस्तों आइए ज़रा देखते हैं क्या इसके पिक्सल फटते हैं नहीं फटते हैं, पास से देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने की इसको। देख सकते हैं मैं बहुत पास आ गया हूँ, ठीक है, उसके बावजूद जो है पिक्सल्स फट नहीं रहे हैं। देखिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल पास आने पे। दोस्तों हमने देखा कि जब हम मोबाइल को बिल्कुल पास ले गए, जब हमने कैमरे को बिल्कुल पास किया उसके बावजूद जो है पिक्सल्स फटे नहीं, ब्लर नहीं हुए, इसका मतलब ये है कि वाकई क्वालिटी जो है कि बहुत अच्छी है। और इतनी यानी कि 8000 की रेंज में इतनी अच्छी क्वालिटी मिलना बहुत ही मुश्किल है और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हाँ इसमें देखिए अगर कुछ क्वालिटी अच्छी मिल रही है तो कुछ कमियां भी हैं, अब वो कमी क्या है वो बताता हूँ, लेकिन वो छोटी मोटी कमियां हैं उसमें ज़्यादा मैटर नहीं होना चाहिए। जो मेन पर्पज़ है प्रोजेक्टर आपको किस लिए चाहिए, बिल्कुल क्लियर सिनेमा हॉल टाइप मूवी देखने के लिए या कोई एपिसोड देखने के लिए या फिर आप एजुकेशन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। हाँ कमी क्या है वो बता देता हूँ कि इसमें जो है कि एंड्रॉयड सपोर्ट नहीं है, तो एंड्रॉयड मोबाइल डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है या फिर डाटा केबल से आप एंड्रॉयड मोबाइल को कनेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम है जो है कि। तो अगर आप एवरेज जो इसका बजट है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 1000-2000 या फिर मतलब सिर्फ 3 वेरिएशन है, ठीक है, 11000 वाला आप लेते हो तो उसमें सब कुछ है, वो आप जो है कि लैपटॉप की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एंड्रॉइड मोबाइल कनेक्ट करिए वो चलने लग जाएगा, ठीक है। तो आप जो है कि अगर लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं तो मैंने नीचे लिंक दे दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से मैं इसको जो है कि 5 में से 4 पूरे देता हूँ और मुझे अच्छा लगा। आप लोग को कैसा लगा ये प्रोजेक्ट,
प्लीज़ जो है कि जो ये प्रोजेक्टर था प्लीज़ आप कमेंट करके नीचे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो भी बताएं, अगर आपको इसकी क्वालिटी थोड़ी कम लगी हो या फिर कुछ आपकी तरफ से कमी रह गई हो कि मतलब होना चाहिए आपके, मतलब आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें ये होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो भी आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे अच्छे अनबॉक्सिंग के लिए और नई टेक्नोलॉजी जो भी आ रही है मार्केट में उसके रिगार्डिंग अगर आपको देखना है कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कंट्री ब्लॉग को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।